गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक अर्थक्यूक एंड वोल्केनोज। लास्ट वीडियो में हमें अर्थक्यूक के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, आज हम वोल्केनोज के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज वोल्केनोज, व्हाट इज ज्वाला, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी जब पृथ्वी अचानक से पृथ्वी का विस्फोट होता है तो उस विस्फोट के द्वारा पृथ्वी में क्रैक्स पड़ जाती है, उन क्रैक्स से मैग्मा, स्मोक, राख और गैस, डस्ट एंड सॉलिड मटेरियल क्या होता है, इजेक्टेड बाहर निकलते हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ज्वालामुखी वोल्केनोज इज ए सडन एंड अब्रप्ट एक्सप्लोजन इन द अर्थ थ्रू विच मैग्मा, गैस, डस्ट, स्मोक एंड सॉलिड मटेरियल इज इजेक्टेड। जब पृथ्वी में अचानक जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोट के दौरान पृथ्वी में क्रैक्स पड़ जाती है, उन क्रैक्स से मैग्मा, गैस, डस्ट और स्मोक एंड सॉलिड मटेरियल क्या होता है, बाहर निकलता, उसे ही वोल्केनोज कहते हैं। द हॉट मेल्ट मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल के नीचे जो गर्म तरल पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। जब वो हॉट लिक्विड मटेरियल है, जो गर्म तरल पदार्थ है, जब वो जो ब्रॉट टू द सरफेस, जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ जाता है, वो तो उसे लावा कहते हैं। तो जब लावा, जब मैग्मा पृथ्वी सरफेस पर आ जाता है तो लावा कहते हैं। उस समय उसका टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्मा ओरिजिनेट्स इन द अपर मेंटल पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपर मेंटल पार्ट में ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वोल्केनोज, वोल्केनोज के पार्ट कौन कौन से हैं। देर आर थ्री पार्ट ऑफ द वोल्केनोज। फर्स्ट वेंट, वेंट को नेक भी बोल सकते हो। ऑल दीज मटेरियल मींस मैग्मा, गैसेस, डस्ट, स्मोक, अदर सॉलिड मटेरियल्स कमिंग आउट ए ग्रेट प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ थ्रू ए पाइप। जब पृथ्वी के धरातल के अंदर ये सारा जो मटेरियल है, मैग्मा है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, स्मोक हैं, वो ग्रेट प्रेशर से इनसाइड ऑफ द अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से थ्रू ए पाइप, और इस पाइप के थ्रू जब बाहर आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। फिर देखो, ऑल दीज मटीरियल्स मैग्मा, डस्ट, स्मोक, गैस कमिंग आउट ए ग्रेट प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ग्रेट प्रेशर के द्वारा जब थ्रू ए पाइप, पाइप के थ्रू ये मटेरियल जब बाहर आता है उसे वेंट बोलते हैं, या उसे वोल्केनिक पाइप भी बोलते हैं। इस पाइप के थ्रू जो बाहर मटेरियल आता है, मटेरियल बाहर आता है ग्रेट प्रेशर से, और जब ये बाहर आ जाता है तो उस समय लावा का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत हॉट होता है लावा। नेक्स्ट उसके बाद में क्रेटर, ये होता है क्रेटर। जब इतने तेज गति से आता है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये एकदम से उड़ जाता है ऊपर, ग्रेट प्रेशर होता है, ग्रेट प्रेशर से आता है। जैसे क्रेटर क्या होता है, क्रेटर की शेप कैसे होती है, ऐसे होती है, एक कीप के आकार का होता है। क्रेटर इज ए फ्यूनल शेप्ड डिप्रेशन फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द वोल्केनोज अराउंड इट्स वेंट, वेंट के चारों तरफ। ये कैसे होता है, फिर सुनो मेरी बात, ये कीप की आकृति का होता है जो क्रेटर होता है। क्रेटर होता ही ऊपर होता है, जब प्रेशर से मैग्मा बाहर आता है तो ऊपर वाला जो पार्ट उठ जाता है और इस पार्ट में डिप्रेशन, एक गड्ढा सा बन जाता है, और ये कहां बनता है, ऊपर वेंट के चारों तरफ, ये कहां बनता है, सेंटर ऑफ द वोल्केनोज अराउंड, वोल्केनोज के चारों तरफ, और इट वेंट, वेंट के पास एक गहरा गड्ढा बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर ए लार्ज स्टीप साइड क्रेटर, ये एक झील, एक गड्ढा जैसा बन जाता है, जो ए लार्ज स्टीप साइडेड क्रेटर इज कॉल्ड काल्डेरा मींस कडाहा, ये जापानी भाषा का शब्द है। आसो काल्डेरा विश्व का लार्जेस्ट काल्डेरा है, आसो काल्डेरा इज ए लार्जेस्ट काल्डेरा इन द ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बड़ा काल्डेरा ये कहां, जापान के अंदर।
तो काल्डेरा क्या होता है? ए लार्ज स्टीप साइड क्रेटर, क्रेटर की जो साइड होती है वो स्टीप होती है, वो स्टीप एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है जिसकी साइड क्या होती है स्टीप होती, खड़ा ढाल होता है और गहरा गड्ढा बन जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं काल्डेरा, कढ़ाई जैसा, जिस तरह कढ़ाई का आकृति होती है वैसे बन जाता है, उसे हम काल्डेरा बोलते हैं। क्रेटर बता दिया, पार्ट ऑफ द वोल्केनोज, वोल्केनोज का पहला पार्ट हमने बताया था वेंट, सेकेंड पार्ट बताया था क्रेटर और थर्ड पार्ट वोल्केनिक पाइप बता दिया। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या हमारा, मटेरियल इजेक्टेड बाय वोल्केनोज, वोल्केनोज जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके द्वारा कौन कौन सा मटेरियल बाहर निकलता है? तो जब मटेरियल इजेक्टेड बाय द वोल्केनोज, जब वोल्केनो फटती है तो कौन कौन सा मटेरियल बाहर निकलता है? फर्स्ट ऑफ गैसेज, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो बहुत हार्मफुल गैसेस हैं ये बाहर निकलते हैं जिससे एयर पोल्यूशन भी करते हैं। लिक्विड, जब वोल्केनिक विस्फोट होता है, वोल्केनिक फटती है तो लिक्विड पदार्थ, मैग्मा के रूप में लिक्विड पदार्थ निकलता है जिसे हम बाहर आके लावा बोलते हैं, वो निकलता है। जब लावा बाहर आ जाता है तो उसका टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और फिर लावा के शुरुआत में बिगिनिंग टाइम में लावा 15 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से क्या करता है फैलता है और फिर उसके बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि जब स्टीप स्लोप हो जाते हैं तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से वो फैलता है लावा। अब जब जब वोल्केनो जब विस्फोट होती है तो कौन कौन सा मटेरियल इजेक्टेड होता है? गैस होगी, लिक्विड होगा और सॉलिड पदार्थ, सॉलिड बोल्डर आते हैं ये इजेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द वोल्केनो, वोल्केनो के टाइप्स, अगला हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द वोल्केनोज, वोल्केनो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द वोल्केनो, वोल्केनो तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनो, सेकंड इज डोरमेंट वोल्केनो और थर्ड इज डेड वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं, थर्ड इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। फर्स्ट सबसे पहले पढ़े एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? जो हमेशा ही एक्टिव रहती है, हमेशा उसमें लावा डस्ट एस वगैरह वो निकलता ही रहता है, उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। एक्टिव वोल्केनो आर दोज वोल्केनो विच हैव बीन एक्टिव, जो एक्टिव वोल्केनो क्या होती है, एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होती है जो हमेशा जिसमें लावा निकलता रहता है, आग निकलती रहती है, ठीक है, उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। एक्टिव वोल्केनो आर दोज वोल्केनो विच आर ऑलवेज इमिटिंग लावा, जिसमें हमेशा लावा निकलता रहता है उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। एक्टिव वोल्केनो बेस्ट एग्जाम्पल एटना, एटना वोल्केनो ऑफ इटली, एटना वोल्केनो इटली, एटना वोल्केनो ऑफ इटली, इटली की एटना वोल्केनो है जो 2500 साल से एक्टिव है, 2500 साल से उसमें लावा इमिटिंग हो रहा है, लावा उसमें निकल रहा है। और दूसरी एक है मैना लोआ इज द लार्जेस्ट वोल्केनिक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैना जो वोल्केनो है, लार्जेस्ट वोल्केनिक इन द वर्ल्ड, ये कहाँ है? ये हवाई आइलैंड्स के अंदर है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डोरमेट, डोरमेट वोल्केनो इज नोन एज स्लीपिंग वोल्केनो भी बोलते हैं इसको स्लीपिंग वोल्केनो भी बोलते हैं। डोरमेट वोल्केनोज आर दोज वोल्केनोज विच हैव बीन एक्टिव इन द पास्ट, स्टॉप इजेक्टिंग लावा नाउ बट कैन इरप्ट एनी टाइम्स। डोरमेट वोल्केनो वो वोल्केनो होती है जो विच हैव बीन एक्टिव इन द पास्ट, जो पास्ट में क्या थी, फ्यूचर पास्ट में वो एक्टिव थी लेकिन अब वो क्या हो चुकी है, स्टॉप इजेक्टिंग लावा, लेकिन अब उसमें लावा निकलना बंद हो गया, लेकिन बट कैन इरप्ट एनी टाइम, वो लेकिन वो किसी भी टाइम वो क्या हो सकती है, इरप्ट हो सकती है, विस्फोट हो सकती है, उसे हम डोरमेट वोल्केनो बोलते हैं, इसे हम स्लीपिंग वोल्केनो भी बोलते हैं, वो जो अचानक फटे, जो कभी भी फट सकती है अचानक, उसे हम डोरमेट वोल्केनो बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल एक एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल कौन सा एग्जांपल है इसका, विश्वेस वोल्केनो ऑफ इटली, इटली की विश्वेस वोल्केनो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डोरमेट वोल्केनो। नेक्स्ट हमारा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो या डेड वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो आर दोज वोल्केनो, वो वोल्केनो होती है और होती विच हैव नेवर इरप्ट इन ह्यूमन सोसाइटी, जो भविष्य में कभी विस्फोट नहीं होने की कोई संभावना नहीं होती, जो एक बार फटने के बाद में
फिर कभी नहीं फटती, विच हैव नेवर इरप्टेड इन ह्यूमन सोसाइटी, जो एक बार फटने के बाद कभी नहीं फटती, उसे हम बोलते हैं एक्टिनिक वोल्केनोज या डेड वोल्केनोज। ये बेस्ट एग्जाम्पल है किलिमंजारो इन साउथ इन अफ्रीका, अफ्रीका का किलिमंजारो जो वोल्केनिक है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डेड वोल्केनो का, और एक ओपा वोल्केनिक ऑफ म्यांमार। अगला जो हमारा है, अगला एक चीज और पढ़ रहे थे जो वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। फर्स्ट टाइप वोल्केनिक इरप्शन दो टाइप की होती है, पहला जो टाइप होता है वो होता है सेंट्रल इरप्शन और दूसरा होता है वो है फिशर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन क्या होता है, सेंट्रल इरप्शन वो होता है जब लावा इरप्ट थ्रू ए वेंट, लावा इरप्ट थ्रू ए वेंट, वेंट के थ्रू जब लावा बाहर निकल जाता है, जैसे ये इस वेंट है, इस नाली के द्वारा जब लावा बाहर निकल जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन क्या होता है, लावा इरप्ट थ्रू ए वेंट, वेंट के थ्रू जब लावा बाहर निकल जाता है उसे सेंट्रल, और जब लावा क्रैक्स की तरफ वहन लावा इरप्ट थ्रू ए क्रैक्स, क्रैक्स के इन क्रैक्स के थ्रू जब लावा बाहर निकलता है उसे बोलते हैं फिशर इरप्शन। अब हमारा लास्ट है लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनिक टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनिक टोपोग्राफी, जब लावा बाहर आ जाता है तो बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, बहुत सारी वोल्केनिक टोपोग्राफी बनती है लावा से, बहुत सारी टोपोग्राफी बनती है वो बहुत सारी है। फर्स्ट देखो लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनिक टोपोग्राफी, जब लावा इजेक्टेड हो जाता, बाहर आ जाता है, लावा बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद बहुत सारी आकृतियां बनाता है, उन्हें क्या बोलते हैं लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनिक टोपोग्राफी। सबसे पहला है क्रेटर, जब क्रेटर, फर्स्ट लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर, क्रेटर कैसे बनता है, जब लावा ग्रेट प्रेशर से बाहर आता है, मैग्मा ग्रेट प्रेशर से बाहर आता है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उड़ जाता है और वो डिप्रेशन हो जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को ही, उस डिप्रेशन को ही क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं, और उस क्रेटर ये कढ़ाई जैसा क्रेटर बोलते हैं, गड्ढा बन जाता है और जो बाद में ड्यूरिंग द रेनफॉल ड्यूरेशन इस गड्ढे में पानी भर जाता है जिसे लेक का रूप ले लेता है, नेचुरल लेक प्राकृतिक झील से बन जाती है। नेक्स्ट है कालडेरा, कालडेरा क्या होता है, कालडेरा कढ़ाई शब्द से बना हुआ है, कालडेरा विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा आसो कालडेरा है, विश्व लार्जेस्ट कालडेरा ऑफ द वर्ल्ड इज आसो इन जापान, जापान के अंदर आसो कालडेरा है, आसो कालडेरा है जापान के अंदर, तो विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा है। कालडेरा क्या होती है, कालडेरा सबसे लार्ज स्टीप साइडेड ऑफ क्रेटर, जो क्रेटर की लार्ज स्टीप साइड खड़ा ढाल होता है, खड़ा ढाल का गड्ढा होता है, यानी लार्ज स्टीप साइड ऑफ क्रेटर, क्रेटर की खड़े ढाल वाला गड्ढा होता है उसे ही क्या बोलते हैं कालडेरा, कालडेरा कढ़ाई जैसा होता, कढ़ाई जैसा गड्ढा होता है उसे ही कालडेरा कहते हैं। ये देखो सिंडर कोन, फिर सेकंड जो थर्ड हमारी जो लैंडफॉर्म है वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, जो लैंडफॉर्म वोल्केनिक टोपोग्राफी है वो सर एस एंड सिंडर कोन, सिंडर कोन क्या होता है इसमें देखो ये क्या होता है, द सिंडर कोन आर मेड लूज डस्ट एंड एस, जो लूज डस्ट और एस से बना हुआ जो कोन है, जो आकृति है, जो एस एंड सिंडर कोन, एस एंड सिंडर कोन आर मेड ऑफ लूज डस्ट एंड एस, जो डस्ट, जो लूज डस्ट और एस से बना हुआ जो कोन है उसे हम बोलते हैं एस या सिंडर कोन। ये है कनकेव स्लोप, ये कनकेव स्लोप का होता है, बहुत पतला सा होता है, जैसे ये ऐसे, जैसे लावा बाहर निकला तो लावा से यूं पतला सा फैल जाता है, कनकेव शेप का होता है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक लावा कोन, फोर्थ जो हमारी लैंडफॉर्म है वोल्केनिक का वो है बेसिक लावा कोन, विच इज पुअर सिलिकॉन, जिस लावा में सिलिकॉन की मात्रा कम होती है वो चिपचिपा पतला होता है, और विच बेसिक लावा कोन आर दोज लैंडफॉर्म, वो लैंडफॉर्म विच इज पुअर सिलिकॉन, इट इज कूल डाउन। अब देखो जिस लावा में बेसिक लावा कोन क्या होता है, बेसिक लावा कोन में जिस लावा में सिलिको की मात्रा कम होती है वो क्या होता है पतला होता है, तो वो दूर तक फैल जाता है, वो जब कूल डाउन होता है तो वो दूर तक क्या हो जाता है बेटा,
वो दूर तक क्या होता है, फैल जाता है क्वाइटली और ट्रेवल अलोंग ए डिस्टेंस और एक बहुत लंबी दूरी तक फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेसिक लावा कोन। एक होता है, एक अगला जो हमारा है वो कौन सा है, एक बेसिक लावा कोन हो गया। अब एक अगला है लावा डोम, लावा डोम, लावा डोम होता है फिफ्थ की हमारी जो टोपोग्राफी है, जो वोल्केनिक टोपोग्राफी है वो है लावा डोम्स, जिस विच इज ए रिच सिलिको, जिस लावा में सिलिको की मात्रा होती ज्यादा होती तो वो ज्यादा गाढ़ा लावा होता है, और वो जब वो लावा बाहर आ जाता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं पड़ता बल्कि ऊपर ऐसे चढ़ता जाएगा, ऊपर फैलता जाएगा, एक डोम की आकृति का बन जाता है, स्लोली अराउंड द क्रेटर, क्रेटर के चारों तरफ फैलकर डोम की आकृति का बन जाता है, और इसका जो स्टीप कन्वेक्स साइडेड, और इसकी साइड क्या होती है कन्वेक्स साइडेड होती है, स्टीप कन्वेक्स साइडेड होती है। अगला एक हमारा है जो लास्ट हमारा जो वोल्केनिक टोपोग्राफी बच गया, जो कंपोजिट, कंपोजिट कोन, कंपोजिट कोन क्या होता है, कंपोजिट एक बार लावा, एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होती है, विस्फोट होने से लावा बाहर निकलता, फिर आफ्टर, फिर लंबे समय के बाद में इट बिल्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे पीरियड के बाद में फिर वोल्केनो फटती है, फिर उसमें लावा जम जाती, एक कोन के अंदर दूसरा कोन डेवलप हो जाता है, उससे कंपोजिट लावा कोन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रैम्बोली वोल्केनो, स्ट्रैम्बोली वोल्केनो, वोल्केनो नोन एज ए लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के अंदर स्ट्रैम्बोली जो जो वोल्केनो है जो फटती है तो सारे चारों तरफ मेडिटेरियन सी में लाइट ही लाइट हो जाती है, इसलिए स्ट्रैम्बोली वोल्केनो को, वोल्केनो नोन एज ए लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है स्ट्रैम्बोली वोल्केनो की। थैंक यू बेटा।